काफी ज्यादा ठंड लग रही थी ना बाहर, इतनी देर से हम मतलब पेपर देने के बाद हम इतने से बाहर ही थे घूम रहे सब कुछ। तो गाड़ी के ओनर को एकदम से याद आता है कि गाड़ी भी तो मेरे पास, गाड़ी में बैठते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इतनी देर आपने हमें ठंड में मारा है? आइडिया भी मेरा ही था, तुम लोगों को भी पता था गाड़ी मेरे पास है। एंड में बोले राजवीर भैया ने गाड़ी में बैठते हैं। हाँ चलो गाड़ी में बैठते हैं, हम इस वाली पार्किंग में। इस बंदी ने सीनियर को कैमरामैन बनाया है अभी भी। तो बाल सटी क्या आइटम और हेलो इधर लो भाई साहब, सीनियर को रोस्ट किया है। हेलो वेलकम टू माय व्लॉग भी नहीं हुआ आज। कहती है देखो आदमी के पास गाड़ी है, हमें अब बिठा रहा है 10 मिनट बाद। इनको इस चीज का शुक्रिया नहीं करना चाहिए कि गाड़ी में बिठा रहा है। नहीं ये इस पे है, अब बिठा रहा है। देखियो मैं कह रहा हूँ, और तुम लालती आदमी, और तुमका कोई हिसाब नहीं है भाई साहब। आप भी आप देखो छोटे बच्चों को ऐसे बोलोगे? मैं क्या करूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मैंने ऐसा बचपन देखा ही नहीं भाई। ऐसा बचपन दे दो, मैं ऐसा बचपन, मेरे को मेरा बचपन लौटा दो, मेरे को भी मेरे को लौटा दो। ये भी सीनियर है, वो भी सीनियर, फिफ्थ ईयर वाले, ये दोनों, बाकी हम तो फर्स्ट ईयर वाले। बट हमने आपको कोई रोस्ट नहीं किया। और वो उस बच्ची का तो एरा है अपना एक। ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है यहाँ पे, पर भगवान जाने। कुछ तो गलत कुछ तो है, कुछ फॉल्ट तो है यार। वो मैं बताऊंगी वो कैसे गलत। नहीं सुनना, मैं चुप रहती हूँ। के बल गिर गई होगी ना है पाजी, कह रही मैं बताऊंगी, मैं करनी चुप रह तू। अब ये व्लॉग ये खुद संभालेगी, इसका कैमरामैन थक गया ले बगो। मैं तो हाथ दुख गया। चलो ब्लॉग खत्म होता गाइस, बस आ रहा है। बाय गाइस, इस अहम मेंबर आ रहा है। अच्छा वो आ रहे हैं, हे भगवान मैं देख रही हूं, कोई तो चलता आ रहा है। देखियो वो हूटिंग हो रही है, देखो वो आ रहे हैं, ठंड में सिकुड़ते हुए आ रहे हैं। अभी मिल ले अभी नल्ला प्रसाद, आ जा गोदी भी आ जा, स्कूच हो जा तेरी। इतना प्यार है इन लोगों में, एक दूसरे को गोद में बिठा लेते हैं। हेलो कुछ याद आया? है देव आया याद कुछ ऐसी शूटिंग की, तू वहां के पीछे बैठा था रीजन के कारण। हां मैं बात ही बता रही थी कि जब हम कंपटीशन जीत के आए थे डांस वाला। आप बहुत बोलती है मोहतरमा, बुला लेते हो मुझे बीच में। तो भी हम पूरे करके आया करो ना बेटे, ओरिजिनल जाता है ना सब कंटेंट। अब मैं लिखने बैठूं फिर वो सारा प्रोसेसिंग वो अच्छा नहीं होता है बेटा। मेरे अंदर ना बीच-बीच में पोपलू आ जाता है। सुनो भैया ने इनशॉट करने के लो, अरे हो गया तुम्हारा, निकलो आपने मत मत है कुछ भी बोलते हैं यार, हमें तो निकलना है। ब्लॉग बंद कर दो, बाहर आ जाओ, हमें भी निकलना है। अच्छा ऐसे बोलो ना, बाहर निकलो, गेट आउट। ओए चेड़ी मुंह पे दरवाजा बंद कर रही है। चलो चलो इनकी इनका सामान आएगा कुछ पहले, अंदर जा लेते हैं गाड़ी। आप आज बाइक क्यों नहीं लेकर आए हो? ठंड दिख रही है तो ठंड क्या, मुझे एक ही दिन बाइक चलाई और इतने मजे आए ना बाइक चला के। अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए मेरे पर कि मैं अच्छी बाइक चलाती हूँ। एक बारी में बाइक चलाया, मैंने चलाई तो सही ना, एक बारी से तो ठीक है, पहली बार के हिसाब से मैंने सही बाइक चलाई, दिल की खुशी हो रही है ना। वीडियो कौन बनाया ना फादर है, हम वीडियो बनाई, उसने बनाई थी, आशी ने बनाई थी मेरी वीडियो, पर उसने अच्छे से नहीं बनाई। आशी ना है वो घर चला गया, मंडी चला गया, वो डिस्ट्रिक्ट मंडी। मैं भी जाऊंगी घर थोड़े दिनों में, दर्शन दिखा ना, हमने तो देखी नहीं दूर। चला भी क्या वो हिमाचल पहुंच भी गए। चलो वापस यहाँ आए थे बाहर, और यूनिवर्सिटी पीछे कोई ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं था। क्या घूमने के नाम पे मजाक करते हैं हम लोग, अगर बगर बगर करती है खाली, कुछ नहीं है। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये कर दिया अप्रिशिएट, ये कर दिया। अभी बोला करो कभी कुछ, ठीक है क्या? दिस इज आवर लंच टाइम, वेरी मच लंच टाइम। इसके बिचारी के वॉय कट नहीं है, पता नहीं कौन सा कट है, आगे से तो कुछ अच्छी सी मिंडिया बना लेती है, पीछे से बड़ा वॉय कट ही है। ये पकड़ी जरा मैं अपनी जुल्फे अंदर कर लूं। ओह यहाँ से भी अच्छा आ रहा है। अरे गाइस हम सुंदर ही इतने हैं कि हम कहीं से भी अच्छे आ जाते हैं, है ना गाइस। और क्या उस झाड़ी को आग लगा दे,
यार एक तो कॉलेज वाले कहीं भी आग भी नहीं जलाते, पता नहीं कैसे ठंड में मारे, ना हीटर अलाउड ना कुछ अलाउड, कि ठंड में पागल हो जाए। हॉस्टल में हीटर नहीं अलाउड? क्यों नहीं अलाउड हॉस्टल में हीटर, क्या बोल सकते हैं? क्यों आई डोंट नो, इनको लगता है कि हम हॉस्टल जला देंगे। इसका शो बड़ी बारी का वरने इतना परफेक्ट शब्द आया था ना मुझे यार, मैं कभी क्या ही बोलूं, ये गाली देती है कैसे लगेगी, देती मैंने आज तक है फिर मैं कभी भी नहीं देती, बच्ची सी तो है गाल। मैं बच्ची हूँ और ये बड़ी है, धीरे धीरे हमारा मेन्यू आ रहा है। आप कहाँ से आए हो? ये पीछे से सीधा एक हाथ आया है। कितनी ओवर एक्टिंग प्रियांशु भैया, जो तुम बार बार पर कैमरा खोल के चालू हो जाती, मैंने कभी कुछ कहा? हम टाइम पास करते हैं, बैठ जाओ। हाय हाय, टाइम पास, बैठ जाओ इधर इधर, लगा रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको इधर रहे हैं ऐसा, मैं तो कुछ तो चल रहा है, पर क्या है कैमरा। अब हमारे खाने का टाइम हो गया, खा रहे खा रहे, फोटोग्राफर बने हुए हैं, खाना है खा लेते हैं हम, वो तो खाने लग पड़े पहले ही, हम भी खा लेते हैं। Much, much later. This is fruits, bananas. ये अभी हम लेकर आ रहे हैं बाहर से, और ये अभी शहनाज बताएगी हम क्यों लेकर आए हैं। क्या हुए? कि ये फ्रूट्स हम क्यों लेकर आए हैं? कल ना मैंने रोजा रखना है, तो फिर रात को खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने रोजा मतलब फास्ट रखना है इसको कल, और ईद है इनकी। किस चीज़ की? कल ना हमारे इमाम मिर्जा तुमने कहीं बोली होता, पता नहीं तुम्हें होंगे क्या बोलते हो, तो ना उनका जन्मदिन हुआ था। अच्छा ठीक है, तो बोलते हैं कि अगर 3 दिन मतलब उनके लिए अगर फास्ट रखोगे हो गए, तो हमारे जितने भी तक बुरा किया ना हमने वो माफ माफ माफ, इसलिए मैं चाहती हूँ, मैंने बहुत बुरा किया और मुझे पता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाए। तो ये परसों रख नहीं सकती, ओ शिट 26 जनवरी की परेड में मिस कर दूंगी मतलब। यस मैं कल घर जाऊंगी, तो ओ नो, तो जरूरी नहीं ना कल चले जा। अरे जाना पड़ेगा मुझे घर, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन मुझे कल घर जाना ही होगा शहना। तो तू यहाँ ये बेचारी सुबह उठ के खाएगी फ्रूट्स, क्योंकि उसके बाद ये कुछ नहीं खा पाएगी 5 बजे उठ के। और हाँ बता, है तू अच्छा, मैं जा रही हूँ यार ग्राउंड बास्केटबॉल खेलने, बाय। मैं जा रही हूँ पहले अब ग्राउंड, मैं बाद में मिलूंगी, पहले अब पर चेंज कर लेती हूँ वरना सारे कपड़े गंदे जाते हैं। और मेरी ये जैकेट पे कार्तिक कैसे यार ये लग गया पहना, आज पेपर था मेरा लास्ट, ये कैसे लग गया मुझे समझ नहीं आया। बाय बाय, अभी फोन पे बात करिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। बाय, एक तो मेरे शूज गीले हैं, ये कम से कम ना 2 हफ्ते पहले धोए हैं, पूरी जनवरी निकल गई लेकिन इतना सभी धूप नहीं आया हमारे यहाँ। चलो खेलने का समय हो गया है, बाय बाय गाइस। तो काफी देर बास्केटबॉल खेलने के बाद जब मैं रूम आई तो लगा हमारा बहुत ही गंभीर लूडो का मैच वो हम खेल रहे थे, और काफी ज्यादा देर हो गई थी। तो आज का व्लॉग यही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।